sorry that I cannot be there with you. But we are here to celebrate something very special, a movie which I was a part of called Aankhe. And there's finally a sequel being made of it, which was always been the dream of Gaurang, to do a sequel, because it lends itself to being a great franchise. And I'm so proud to be associated with the franchise that is coming out today in Aankhe 2. Because not only do we have a great team, but we also have a very, very ambitious project and task ahead of us. Been a great entertainer, and Aankhe just needs that kind of an entertainer to bring this great family entertainer to the people. And I read the script, and I was in 5 minutes was like, yes, I'm doing this. Reuniting with Amit ji, who of course has been just so amazing as an actor and so enriching every time I work with you, Amit ji. Thank you, and I'm really must be the luckiest actor to get to work with you, I think, on the fifth film that I'm doing with you now. And all the other guys who've come out here, they're all great, and we all share a great camaraderie, and I really look forward to collaborating with all of you. So for this very ambitious project, I would request all of you to give us your blessings, and once again, I apologize for not being there in the flesh, but I'm there with you in spirit. गम से मिटा देता स्माइल से पटा लेता कूड़ी होवे गुज्जू या हो पारसी अशलवार सी अशलवार सी मिस्टर रजीना इन आके ये है रजीना एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप फॉर रजीना आके टू लिख के डायरेक्ट करेंगे तो भैया ब्लॉकबस्टर बनेगी ट्रस्ट मी अनाज बस मी Come on, come on, everybody, put your hands high. Put your hands high, put your hands high. Kyunki Meet Bros bolenge, tumhe bye bye. Bye आंखें टू करने के पीछे का क्या 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 सोच है आपकी कि आंखें के बाद आंखें टू में आपने हामी भरी इतना कुछ देखने के बाद भी सोचना पड़ेगा आपको सेल्फी ले लूंगा आपके साथ घबराइए मत मेरे से सवाल ये कि आंखें जहां पे खत्म हुई थी ये कहानी क्या वहीं से आगे बढ़ेगी क्योंकि नए किरदार भी इसमें आने वाले जी आंखें जहां खत्म हुई उसके बाद जो शुरुआत होगी वो होगी आंखें टू कहानी नई होगी कुछ कलाकार पुराने वाले हैं और पुराने हो भी गए हैं लेकिन कुछ नए और बहुत खूबसूरत कलाकार भी हैं और निर्माता अनीस बज़मी साहब जिनके बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं पहले ही और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनके साथ मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ तो मैं बहुत उत्सुकता के साथ वो समय देखूँगा मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा किरदार के बारे में इतना है कि एक मज़ेदार कैरेक्टर है एंटरटेनिंग है और उसकी एक अजीब सी न्यूआंसेस है और मुझे पूरी उम्मीद है और कि आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा उस कैरेक्टर को देखने में मूलतः आप राइटर रहे हैं और जो पहली आँखें हैं वो बहुत ही बेहतरीन थी जी। तो एज अ डायरेक्टर क्या आपके ऊपर प्रेशर है कि डायरेक्शन के साथ साथ कहानी को और ज्यादा अच्छा इम्प्रूव किया जाए मेरा मानना यह है दोस्तों कि एक खूबसूरत और अच्छी फिल्म बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है और जो ये पहली फिल्म थी आंखें वो वाकई बहुत खूबसूरत थी उसमें बहुत ही ज़बरदस्त उसका कॉन्सेप्ट था तो जब मुझे गौरांग साहब ने जब बुलाया और मुझे कहा कि अनीस तुम ये फिल्म करना चाहोगे तो आप यकीन करिए कि ये जो करना चाहोगे जो लफ्ज़ है उसके पहले मैंने कहा हाँ तो ही वो शौक के इतनी जल्दी आपने कैसे तो मेरा ये मानना था इस फिल्म को करने के पीछे मेरे जो दो रीज़न थे नंबर वन रीज़न कि मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी बहुत फिल्में डायरेक्ट की तकरीबन सारे एक्टरों के साथ मैंने काम किया है बट आप मुझे फिर भी थोड़ा सा अनलकी कह सकते हैं थोड़ा सा बदकिस्मत इसलिए कि मैंने अमित जी के लिए कोई फिल्म नहीं लिखी थी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी
कि इस फिल्म में अमित जी हैं, जिस तरह बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि अमित जी के साथ काम करें, तो मैंने शायद ही अमित जी की कोई फिल्म ऐसी होगी जो मुझसे छूटी हो। मैंने हमेशा उनकी फिल्में देखी है और इतनी बार देखी है कि कई फिल्मों के डायलॉग्स तक मुझे याद है, और ये सपना जो है इस फिल्म में पूरा होने जा रहा है। तो मैंने गौरांग साहब को पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया, मैं एकदम उछल के मैंने कहा कि हाँ। तो बहुत सारी फिल्में लिखने के बाद भी एक अजीब सा आज एक्साइटमेंट है। आज जिनको मैं सारी जिंदगी मतलब पर्दे पे देखता रहा और सराहता रहा, उनके पास बैठने का मुझे मौका मिला है, और मैं अमित जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा। बहुत खूबसूरत फिल्म लिखी है, और मुझे लगता है कि जो पहली फिल्म है उससे हमारी कोशिश ये है कि एक उससे बड़ी फिल्म और उससे खूबसूरत फिल्म बनाएं। यार ये आज आंखें टू का दिन है, कांटे कहाँ से? But still there were rumors saying that even Kaante 2 is gonna come. Sir, आकर के मुझे बाद में बताइएगा, मैंने तो सुना नहीं अभी तक ये rumors. Hello. And my second question is, Arjun Rampal is gonna continue the second series. Why not Akshay Kumar? He's busy making crack. Ani sir, we have known you for being doing some great comedy movies, right from the start of your career. So is film mein ye sirf ek crime thriller hoga ya there will be this mashup of comedy into this thing? Maine kafi comedy filmein banayi hai, lekin aap shayad bhul rahe hain, maine ek film banayi thi Pyar To Hona Hi Tha, jo pure romantic film thi. Uske baad maine ek film banayi thi Deewangi विथ अजय देवगन, जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, और सस्पेंस के जो तीन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब्बास भाई, मस्तान भाई और हुसैन भाई, अगर उन्होंने मुझे फिल्म देख के कहा था कि अनीस ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, अगर उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी है तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत खूबसूरत एक सस्पेंस फिल्म बनाई थी। ये फिल्म जो है वो एक थ्रिलर है, लेकिन इसमें बहुत सारा ब्लैक ह्यूमर है, और ह्यूमर जो है वो इस फिल्म में रहेगा। So how was your reaction when you came to know you are going to work with Mr. Amitabh Bachchan? What would happen? Well, working with the stalwarts of any industry that you're a part of obviously makes you feel good, you know. When people who have been working in this industry for such a long time, you know that when you're working with someone who's a senior, you're going to learn a lot. And I'm going to have all my eyes open, and it feels good. Obviously, it feels good. Anyone would feel good if you were in my place, right? So yeah, it feels good. Sir, your trailer mein you are seen in a very clean shape. You look more younger than what you are. And I remember the movie Zanjeer, The Angry Man. So what is it like? What you have done in this makeup, makeup wise? Jaise. Okay. So, इसका जवाब ये कह रहे हैं ये देंगे। अमित जी मैं दूं? बहुत से लोग जवाब देना चाह रहे हैं। धोखा खा गए सर हम। मैं दे दूं? या अर्शद स्टार्ट। जैसे ही आपका सवाल समझ में आ जाएगा इसका जवाब भी दे दिया जाएगा। सही सर। अर्शद, अक्षय ने आपको रिप्लेस किया जॉली एलएलबी में, आपने अक्षय को रिप्लेस किया आंखें टू में, हिसाब बराबर समझे? ये बहुत पुरानी प्लानिंग है, हमने बचपन में सोचा था क्या करेंगे। इत्तेफाक है, अभी ऐसे इसमें कोई कुछ नहीं है, होता है ऐसा, कभी कोई ये रोल कर लेता है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हाउ मच विल यू मिस अक्षय कुमार एंड परेश रावल इन दिस फिल्म? या आई एम गोइंग टू मिस एवरीबॉडी एंड आई एम गोइंग टू वेलकम एवरीबॉडी अगेन ऑन दिस प्रोजेक्ट। एबीसीएल से आपकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल, और कभी आपने ऐसा सोचा था कि एक दिन, यू नो, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, अमित जी के साथ आप शेयर करेंगे? मैं मेरे पास 125 करोड़ जनता ऐसी है जो अमित जी की फ़ैन है। मैं भी बचपन से आई लव्ड हिम एंड ही इज़ माई हीरो एंड ही विल ऑलवेज बी माई हीरो एंड देर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स, बट क्या होता है कि व्हेन यू लव समबडी एंड दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग गोज़ बियॉन्ड दैट। सो फॉर मी ही इज़ एवरी थिंग। एंड देन किस्मत ऐसी कि जब पहली फिल्म की, वो भी इन्होंने प्रोड्यूस की, और हमने एक फिल्म की थी, दैट वॉज अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंड विद द फिल्म, बट ये दूसरी बार मौका मिल रहा है मुझे। एंड मेरे ख्याल से इट्स बीन अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट अबाउट 20 years इन दिस इंडस्ट्री, एंड आफ्टर दैट आई एम सो हैप्पी, यू हैव नो आइडिया, सो हैप्पी टू बी हियर। आई
I mean, I don't think any actor is complete if he hasn't shared the screen with Mr. Bachchan. And that is the truth. In the first part of Aankhe, we had a small romantic angle between Arjun and Sushmita. This time, since you have two heroines, as we have seen, would there be a romantic angle as well in the movie, apart from the thrills that you would be adding? I'm going to walk off with both of them. I'm just telling you beforehand.